हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज मॉडल वर्ब, जो कि हम मॉडल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं। चार पांच वीडियो हमने पीछे बनाई है मॉडल वर्ब्स की, और उसमें हम एक एक वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी जो मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। आज हम मस्ट को डिस्कस करेंगे। तो मस्ट क्या है? मस्ट जो आपका यूज़ होता है वो सारे पर्संस के लिए होता है, फॉर ऑल पर्संस, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम मस्ट को यूज़ करते हैं, पास्ट में हम मस्ट को यूज़ नहीं करते हैं। तो जो पास्ट में हो गया उसके लिए मस्ट को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है वहाँ हम सभी पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, उन सबके साथ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और जैसे मस्ट मैंने लिखा है, और इसका नेगेटिव क्या होगा? मस्ट नॉट। ठीक है, मस्ट नॉट इसका क्या होता है? नेगेटिव होता है। वो तो आपको पता ही है कि आगे नॉट लगा देंगे तो मस्ट नॉट बन जाएगा। ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में मस्ट हमारा बाहर आ जाता है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते थे टेंस में, हमने डिस्कस करा था, उसी तरीके से हमारा मस्ट जो है वो हेल्पिंग, वो आपका इंटेरोगेटिव में बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे, अब जो मस्ट जो है इसको, इसका यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है एज ए मॉडल वर्ब, और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मस्ट जो है दैट इज यूज्ड फॉर कंपल्शन के लिए, कंपल्सरी कंपल्शन के लिए हम मस्ट को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेस करता है आपका कंपल्शन, कि मस्ट जो है दैट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंपल्शन। जैसे ही मस्ट, एग्जाम्पल दे रही हूं, ही मस्ट गो नाउ से अभी क्या है? जाना है, जब वो अभी जाता है। ये सब क्या है? ये आपका मस्ट है, दैट इज द कंपल्शन शो हो रहा है। ठीक है, जैसे आई मैं लिखूं, शी मस्ट गो टू द Go to the bank. वो अभी कहाँ जाएगी? उसे अभी कहाँ जाना है? मतलब she must go to the bank. वो अभी बैंक में जाना है उसे, तो वो अभी जाएगी, मतलब ये कंपल्सरी है कि वो उसे अभी ही जाना है। तो दैट इज द मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। जब भी हम कंपल्सरी कंपल्शन शो करते हैं कि ये काम हो, करना ही करना है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही मस्ट गो नाउ, उसे अभी क्या करना है? जाना है। ये इट इज नेसेसरी, इट इज कंपल्सरी कि उसको अभी ये काम करना है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपने पढ़ लिया कि मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंपल्शन, एंड सेकेंड वन दैट इज ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, मस्ट हमारा किसके लिए यूज होता है? फॉर ऑब्लिगेशन। जो चीजें हमें अवे करनी है, ठीक है, ऑब्लिगेशंस मींस जो चीजें हम अवे करते हैं। जैसे यू मस्ट ओबे द, एग्जाम्पल की लिख रही हूं, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए। इट इज द ऑब्लिगेशन, ये जरूरी है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को क्या करना है? ऑब्लिगेट करना, मतलब उनकी उनका कहना मानना है। तो दिस इज द ऑब्लिगेशन, जो काम आपको करना ही करना है। ठीक है, तो और सेकंड मैं लिख रही हूं, जैसे यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, मतलब इट इज आल्सो कंपल्सरी कि यू शुड हैव टू, जैसे यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, कि तुम्हें अपनी चाइल्ड की क्या करनी चाहिए? केयर होनी चाहिए, मतलब इट इज मस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ये हम आप किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये ऑब्लिगेटरी है, दिस इज द ऑब्लिगेशन कि आपको ये काम जरूरी करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपका यूज आ गया मस्ट का। अब नेक्स्ट इसके लिए हम पढ़ेंगे सर्टिनिटी के लिए। ठीक है, सर्टिनिटी के लिए हम मस्ट को यूज करना यूज पढ़ेंगे सर्टिनिटी के लिए। सर्टिनिटी होता है ट्रस्ट करना, जिस चीज पे हमें यकीन हो, मतलब जो ट्रस्ट वाले वर्दी चीजें हो। जैसे मैन मस्ट डाई, तो मैन क्या होता है? मैन क्या होता है? मैन मस्ट डाई, मैन जो है वो डाई होगा ही होगा। इफ एनी वन टेक्स बर्थ, इट मीन्स वन डे ही विल
डाई, एक दिन जो भी कोई इंसान बर्थ लेता है एक दिन उसकी डेथ होनी ही होनी है. तो दिस इज द सर्टिनिटी. ये क्या है, ट्रस्टवर्दी है, ये तो प्रॉपर है ही है. दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ कि जो बर्थ लेगा वो डेड भी होगा. तो ये सब क्या है, आपका सर्टिनिटी हमें शो करता है. ठीक है, उसके बाद जैसे एवरीवन मस्ट ग्रो ओल्ड. हर एक इंसान जो यंग है वो एक दिन आके क्या हो जाएगा, ओल्ड भी हो जाएगा. तो ये क्या है, आपका सर्टिनिटी शो कर रही है. अगर आज मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं यंग हूँ तो कल 50 के बाद 60 के बाद तो मैं उस एज में जाऊँगी. अगर मैं मतलब जिंदा हूँ तो उस एज में जाके क्या होंगी, एक दिन ना एक दिन ओल्ड हो जाऊंगी. तो दिस इज द सर्टिनिटी. ये तो प्रॉपरली है ही है, ये सभी के साथ है, किसी एक पर्सन के साथ नहीं है. वो जो 20 इयर्स में इंसान होता है वो 50 इयर्स में नहीं होता, जो 50 इयर्स में होता है वो आगे 70 80 इयर्स में जाके नहीं रहता. तो एज जैसे जैसे ग्रो होती है तो इट इज द सर्टिनिटी, ये प्रॉपर है ही है और सबके साथ कंपल्सरी है कि ऐसा होगा ही होगा. देन नेक्स्ट इज द इन्फेरेंस. इन्फेरेंस ऐसे होते हैं निष्कर्ष होना, किसी चीज का कंक्लूजन होना, ओपिनियन देना आपने अपना, दैट इज द इन्फेरेंस. ठीक है, जैसे ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी ही ही मस्ट रीच्ड नाउ. ठीक है, वो क्या हुआ था, अभी ही मस्ट हैव रीच्ड. जैसे कि हम, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ही स्टार्टेड अर्ली, जैसे कि उसने जल्दी मतलब उठा था, जब जल्दी ही स्टार्टेड अर्ली, जल्दी शुरू किया था, तो ही मस्ट हैव रीच्ड. अभी वो क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, मतलब अभी पहुंचता ही होगा. तो ये क्या है, इन्फेरेंस है, मतलब हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर वो जल्दी काम के कोई शुरू हुआ है तो अभी तक वो पहुंच जाएगा, अगर वो जल्दी निकला है तो अभी तक उसे पहुंचना चाहिए. मतलब इट वॉज द परफेक्ट टाइम कि अभी तक वो पहुंच जाएगा. हम कोई अपने घर से निकलेगा तो डिस्टेंस होगा 2 आवर्स का, तो 2 आवर्स के बाद हम बोलते हैं ना कि अभी तो वो मस्ट पहुंच ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक हमने डिस्टेंस को देके एक कंक्लूजन निकाल दिया है. ठीक है, तो ये सब हमारा कंक्लूजन है, ओपिनियन है अपने जो हम शो करते हैं. ठीक है, तो ये आपका इन्फेरेंस हो गया. उसके बाद हम एडवाइस के लिए भी इसका यूज करते हैं, मस्ट का. ठीक है, यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस. तो एडवाइस के लिए कैसे हम इसका यूज करते हैं, एडवाइस के लिए जैसे आपको, जैसे हो सकता है हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हूं, जैसे कोई बीमार है आपके घर में, तो आप बोलते हैं ना यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर. तुम्हें क्या है, जरूरी है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ. ठीक है, मस्ट मीन्स जरूरी, इट इज इम्पॉर्टेंट, कि ये जरूरी है कि तुम ये काम करो, कि ही मस्ट गो टू अ डॉक्टर. तुम्हें क्या करना चाहिए, उसे ज़रूरत है कि वो डॉक्टर के पास जाए, कि बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो अच्छा नहीं था, उसकी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाए. तो जैसे, और मैं सेकेंड लिखूँ, शी मस्ट अटेंड द कॉन्फ्रेंस. तो शी मस्ट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ये जरूरी है कि उसे क्या करना चाहिए, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट, कि ये क्या है, मस्ट है कि आपको क्या करना चाहिए, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहिए. तो ये आपका यूज आ गया मस्ट का, जो हम यूज करते हैं. मस्ट को हम आपके कंपल्शन के लिए यूज करते हैं, अब ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाता है, एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद सर्टिनिटी के लिए एंड इन्फेरेंस के लिए यूज किया जाता है. तो सो गाइज, ये जो आपका आज हमने मस्ट को डिस्कस किया है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा. तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नीड, यूज टू, और टू और डियर बच गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि नीड का इतना है नहीं, वो नेगेटिव में ही है और इंटरोगेटिव में ही आपका यूज किया जाता है. ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.